स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ मंगलम इंटर कॉलेज, गुड नून। आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के थर्ड पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ पढ़ाए गए थे। आज चौथा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और चौथा पैराग्राफ माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। इस लेसन के लेखक खुशवंत सिंह जी बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, माई मीन्स मेरी, ग्रैंड मदर अर्थात दादी, एंड और आई मीन्स मैं, वेयर मीन्स थे, गुड फ्रेंड्स, गुड मीन्स अच्छे, फ्रेंड मीन्स मित्र। मैं, मेरी दादी, माँ और मैं, दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. So my parents means मेरे माता पिता ने, left means छोड़ दिया, me means मुझे, with her means उनके साथ, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। When means जब, when means कब भी होता है, जब भी होता है। जब, when वाक्य में सबसे पहले आए, उसके बाद में कोई सहायक क्रिया न लगी हो, तो प्रायः वहाँ पर when का अर्थ जब होता है। When, जब, they means वे, went means गए, to live रहने के लिए, in the city शहर में, जब वे शहर में रहने के लिए गए। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ यानी दादी के साथ छोड़ दिया। वेन, जब, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वे शहर में रहने के लिए गए। एंड और, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वी मीन्स हम, वर मीन्स थे, कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, टुगेदर मीन्स एक साथ, और हम निरंतर एक साथ थे। सी यूज टू मेकअप, वेकअप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। सी मीन्स वह, यूज टू वेकअप मी, यूज टू का प्रयोग जब कहीं आदत प्रकट होती है तब किया जाता है। शी यूज टू वेकअप मी अर्थात वह मुझे उठाया करती थी या जगा दिया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड और, गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी अर्थात तैयार करती थी फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि वह मुझे प्रतिदिन सुबह जगा दिया करती थी और विद्यालय के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन होप that I would listen and get to know by heart. So she said her morning prayers. She means was, said means कहती थी, her means अपनी, morning prayers, morning means सुबह की, prayers means प्रार्थनाएं। वह अपनी सुबह की प्रार्थनाएं कहा करती थी या पढ़ा करती थी इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक नीरस धुन में। मोनोटोनस सिंग सॉन्ग मीन्स नीरस धुन में। वाइल, जब, शी बाथड मी, शी मीन्स वह, बाथड मीन्स नहलाती थी, मी मीन्स मुझे, एंड और, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहनाती थी। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि
कि वह अपनी सुबह की प्रार्थनाएं नीरस धुन में पढ़ा करती थीं, जब कि वह मुझे तैयार करती, नहलाती थीं और कपड़े पहनाती थीं। इन द होप ये आशा रख करके दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और गेट टू नो जानने की कोशिश करूंगा, सीखने की कोशिश करूंगा बाई हर्ट, हृदय से। तो इस आशा के साथ वो अपनी सुबह की प्रार्थनाएं नीरस धुन में कहा करती थीं, जब वो मुझे नहलाती थीं और कपड़े पहनाती थीं, कि मैं उन्हें सुनूंगा और सीखूंगा, हृदय से सीखूंगा। लेकिन आई लिसेंड हर वॉयस बिकॉज आई लव्ड हर वॉयस, बट नेवर बॉथर टू लर्न इट। आई लिसेंड हर वॉयस, मैं लिसेंड मीन्स सुनता था, हर वॉयस मीन्स उनकी आवाज़ को, बिकॉज क्योंकि आई मैं लव्ड प्यार करता था या पसंद करता था हर वॉयस उनकी आवाज़ को, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था। बट लेकिन नेवर मीन्स कभी नहीं, बथर्ड मीन्स चिंता करता था टू लर्न इट, उसको याद करने की। तो मैं उनकी आवाज़ को सुनता था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसको याद करने की चिंता नहीं करता था। नेक्स्ट लाइन, देन शी वुड फेच माई ओडेंसलेट एंड शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड पेंटेड विथ येलो चाक एंड एन अर्थनिंग पॉट एंड ए रेड पेन, देन देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि शी वुड फेच माई ओडेंसलेट, तब वो फेच मीन्स लाती, माई मीन्स मेरी, ओडेंसलेट लकड़ी की तख्ती, तब वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती जिसे कि शी हैड वॉश्ड एंड पेंटेड विथ येलो चाक, जिसे कि शी माने उन्होंने, वॉश्ड मीन्स एंड पेंटेड धोया था और रंगा था, विथ येलो चाक पीली मिट्टी से, एंड और एन अ टिनी अर्थनिंग पार्ट एक छोटी मिट्टी की दवात, एंड ए रेड पेन और एक लाल कलम, टाइड ऑल देम इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, टाइड मीन्स बांधा, ऑल देम मीन्स इन सबको, इन ए बंडल एक गट्ठर में, और हैंड इट टू मी, हैंड मीन्स हाथ में दे दिया, इट मीन्स इसे टू मी मेरे, और इसे मेरे हाथ में दे देती थी। तो लेखक बता रहा है कि वो एक लकड़ी की तख्ती जिसे उन्होंने पीली मिट्टी से धोया और रंगा था, एक मिट्टी की दवात और एक लाल कलम लाती, एक गट्ठर में बांधती और मुझे दे देती। देन आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्लेट चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, आफ्टर मीन्स बाद में, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते के बाद, किसके नाश्ते के बाद, ए थिक स्लेट चपाती, थिक मीन्स मोटी, स्लेट मीन्स बासी, चपाती मीन्स रोटी, एक मोटी और बासी रोटी के नाश्ते के बाद, विथ ए लिटिल बटर, लिटिल मीन्स थोड़ा, बटर मीन्स मक्खन, एंड सुगर मीन्स शक्कर, स्प्रेड मीन्स फैली होती थी, ऑन इट मीन्स इस पर, जिस पर कि थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी रहती थी। उस रोटी के नाश्ते के बाद क्या होता था, शी कैरीड सेवरल स्लेट चपातीज एंड हर फॉर द विलेज डॉग्स, वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटियां लेकर चलती थी। सी कैरीड, सी मीन्स वो, कैरीड मीन्स
ढोती थी या लेकर चलती थी स्लेट चपातीज बासी रोटियां विथ हर अपने साथ फॉर के लिए विलेज डॉग्स गांव के कुत्तों के लिए। तो वो एक रोटी बासी मोटी बासी रोटी जिस पर चीनी और मक्खन लगा रहता था उसके नाश्ते के बाद वो अपने साथ बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ढोती थी या लेकर चलती थी। ये आपका फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे। थैंक्स।